हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिराप राजा दशरथ की कहानी। शीर्षक है हमारी कहानी का सिराप राजा दशरथ। जब राजा दशरथ को सिराप दिया गया था और क्यों दिया गया था, उसके बारे में आपको मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य वंश के बहुत वीर योग और सफल उत्तराधिकारी थे राजा दशरथ। वह राज्य की राजधानी अयोध्या में रहते थे और उन्होंने अपने राज्य और प्रजा को कौशल बनाए रखा था। उनकी तीन रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। महाराजा दशरथ के पास मान सम्मान, गौरव सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उन्हें बस एक दुख सताता था, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा दशरथ अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने वन में गए। राजा दशरथ और उनके सिपाही वन में इधर उधर घूम रहे थे, तभी उन्हें पानी के गड़गड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने समझा कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। उन्होंने आवाज़ की दिशा में तीर चला दिया। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक युवक उनके तीर से बुरी तरह घायल पड़ा हुआ है। जब राजा दशरथ उस युवक के पास पहुंचे और उनसे बात की तो जाने कि वह युवक श्रवण कुमार था, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने आया था। श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता को कुंवर में रखकर तीर्थ यात्रा करने निकला था। जब उसके प्राण निकलने लगे, उन्हें अपने माता पिता की चिंता सता रही थी। उसने राजा दशरथ को पानी से भरा बर्तन देते हुए अपने माता पिता को देने का अनुरोध किया। श्रवण कुमार के भोले भाले माँ बाप ने दशरथ के हाथ से बर्तन लेकर पानी तो पी लिया, लेकिन दशरथ सच्चाई को छुपा नहीं सके। राजा दशरथ ने उन्हें अपने बाण से हुई श्रवण कुमार की मृत्यु के बारे में सब कुछ बता दिया। अपने पुत्र की मृत्यु की यह बात सुनकर भी दोनों अब चंबित हो गए। उन्होंने राजा दशरथ की पुत्र अशोक श्राप दे दिया, जिसका अर्थ था कि वह भी अपने प्राण पुत्र वियोग में ही त्यागेंगे। वर्षों बाद इसी श्राप के कारण राम को वनवास मिला और उसके वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोच समझना चाहिए। यदि राजा दशरथ ने पानी की गड़गड़ाहट की आवाज़ के बारे में थोड़ा और सोचा होता और पास जाकर देखा होता, तो शायद श्रवण कुमार को बाढ़ ना लगता और ना ही राजा दशरथ को श्राप मिलता। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलेंगे आप किसी अगली कहानी में, तब तक खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।